वेलकम टू अर चैनल सिविल इन तो आज हम करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रैप बीम फूटिंग सबसे पहले देखो आपके ऊपर एक वीडियो आ रही होगी तकरीबन 10 से 15 पंद्रह की होगी इससे ना आपको एक थ्री डी एल्यूजन सा हो जाएगा कि एक स्ट्रैप बीम फूटिंग कैसे दिखती है तो इसमें सारे आपको रेन्फोर्समेंट भी दिख जाएंगी कैसे सारे इसमें हमारे फॉर्म वर्क करके हमारे इसमें कंक्रीट वर्क होता है तो वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा ठीक है पंद्रह सेकंड की वीडियो थी आपको अच्छे से समझ आ गया एक स्ट्रैप बीम फुटिंग क्या होती है कैसे बनती है तो तो देखो अब आते हैं मेन पे स्ट्रैप बीम फुटिंग तो देखो स्ट्रैप बीम फुटिंग एक मतलब क्या होता है अब इसकी अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे देखो तो स्ट्रैप फुटिंग इज ए टाइप ऑफ देखो स्ट्रैप बीम फुटिंग भी बोल देते हैं इसको स्ट्रैप फुटिंग भी बोल देते हैं फाउंडेशन वगैरह भी बोल देते हैं बहुत नाम है चीज एक ही है स्ट्रैप फुटिंग इज ए टाइप ऑफ कंबाइंड फुटिंग कंजिस्टिंग ऑफ टू और मोर कॉलम फुटिंग कनेक्टेड बाय्रीट बीम कॉल्ड स्ट्रैप बीम ठीक है कंबाइंड फुटिंग का टाइप है जिसमें की दो या फिर दो से ज्यादा कॉलम्स हो सकते हैं कनेक्टेड बाय्रीट बीम कॉल्ड स्ट्रैप बीम तो इसलिए इसको कह देते हैं स्ट्रैप बीम फोटिंग स्ट्रैप बीम होता है, है ये जो मैंने आपको दिखाया ब्लू सा ये हमारा स्ट्रैप बीम होता है आपने देख भी लिया पहले मैंने तभी वीडियो दिखाई थी ताकि आपको थोड़ा इजी रहे ठीक है आप देखो अ स्ट्रैप फूटिंग इज ऑफन यूज इन कंजन विदम जेट आर लोकेटेड अलॉन्ग अडिंग्स प्रोपर्टी लाइन इसमें क्या होता है देखो कभी ना कभी नहीं पता क्या होता है कि कभी भी ऐसे ना एक प्रॉपर्टी लाइन पे हो जाता है कॉलम जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे कि ये ऐसे फुटिंग है एक यहाँ पे देखो एक तो सेंटर में है सेंटर में है लेकिन दूसरा ना बॉर्डर पे है पूरा प्रॉपर्टी लाइन पे अगर मैं कहूँ की शीट एक पूरा एक फुटिंग है तो इसके प्रॉपर्टी लाइन में बस यहीं पे एक कॉलम लगाया हुआ है ठीक है तो उसको वो चीज होती है हमारी स्ट्रैप बीम फूटिंग कॉलम्स आर लोकेटेड डायरेक्टली एडजेसेंट टू द प्रॉपर्टी लाइन द कॉलम फूटिंग में गेट ऑफसेट सो दैट दे डू नॉट एंट्रोच ऑन टू दट जैसे पोर्शन ऑफ द कि कह इट टू कि साइड एक साइड ऐसे होती है ना तो इसका मतलब कि ना जब अगर हम स्ट्रेबी नहीं प्रोवाइड कर रहे सिंपल अब बात हो रही है अभी बीम की होगी बात तो देखो जब हमारा कॉलम ऐसे बाउंड्री लाइन पर हो यहाँ पे हो तो पता क्या होता है कि यहाँ पे कॉलम की वेट की वजह से टिल्ट हो जाती है फुटिंग ऐसे टिल्ट होनी शुरू हो जाएगी ऐसे टेल्ट होनी शुरू हो जाएगी तो ऐसे पूरा ऐसे सीधा ना देखो ऐसे ऐसे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो इससे कि मतलब कि हमारी सारी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी फुटिंग की और इससे हमारा फेलियर भी हो सकता है स्ट्रक्चर का ठीक है तो देखो अब इसके लिए क्या करना होता है तो स्ट्रैप बीम रिस्ट्रेन ऑफ द फोटिंग टू तो ओवरटर्न बाय कनेक्टिंग इट तो टू नियर बाय तो बस स्ट्रैप बीम का यही काम होता है यहाँ से जो लोड ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ रहा है ना वो यहाँ से कनेक्ट करके सारा लोड ऐसे डाइवर्ट कर दे यहाँ तक डाइवर्ट कर दे ताकि वो ऐसे ओवरटर्न ना हो ठीक है ना ऐसे ऐसे टिल्ट ना हो ताकि आपका स्ट्रक्चर पूरा आसानी से रहे ठीक है अब हम शुरू करते हैं अपना डिजाइन ऑफ स्ट्रैप बीम फुटिंग तो देखो अब आ जाता हमारा क्वेश्चन ऑन डिजाइन ऑफ स्ट्रैप बीम तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा लेंथी होता है मानता हूँ थोड़ा सा लेंथी होगा आपके लिए लेकिन बहुत ही इजी होता है कोई कोई कहता है बहुत मुश्किल है ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही ईजी होता है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाए ना और जो कि मैं समझाऊंगा अच्छे से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता आपका स्ट्रैप फूटिंग में फुल मार्क्स लेने के लिए तो देखो आप सबसे पहले हम पढ़ते हैं देखो टू कॉलम सी एंड सी तो दो कॉलम सी वन सी आर लोकेटेड एट ए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ फोर पॉइंट फाइव मीटर्स तो देखो यहाँ पे मैंने इमेज बना रखी है एक पहले से तो आप देख सकते हैं इसमें क्या कह रहेगी यहाँ पे हमारे दो कॉलम देखो ये रहा सी वन और ये सी टू ठीक है अब इनके बीच का सेंटर सेंटर डिस्टेंस मतलब इस कॉलम के सेंटर से लेके इस कॉलम के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है फोर फाइव डबल जीरो एम एम या फिर फोर पॉइंट फाइव मीटर ठीक है देखो कॉलम सी वन इज टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी एम एम देखो कॉलम सी वन हमारे क्या है ये यह सी वन यहाँ पे डाला हुआ टू फिफ्टी इंटू टू फिफ्टी का इन साइज एंड कैरीज लोड ऑफ फाइव सिक्सटी किलोमीटर मतलब इस पे कितना किलोमीटर का लोड पड़ रहा है हमारा फाइव सिक्सटी का कॉलम सी टू इज थ्री एटी टू थ्री एटी तो कॉलम जो हमारा सी टू है वो हमारा थ्री एटी टू थ्री एटी मतलब सारे स्क्वेज है ठीक है यहाँ पे थोड़ा इमेज से मैं ऐसा लग रहा कि है कि रेक्टैंगल है स्कोयर है इन साइज एंड कैरीज अ लोड ऑफ नाइन ट्वेंटी किलोमीटर था और इस पर नाइन ट्वेंटी है कॉलम सी वन इज द प्रॉपर्टी लाइन एंड इट्स फूटिंग केनोट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द आउटर फेस ऑफ द कॉलम तो इन्होंने कहता है जब ये आ गया ना आपका वर्ड इज ऑन द प्रॉपर्टी लाइन आप समझ जाना कि स्ट्रैप बीम फूटिंग का ये हमारा क्वेश्चन है ठीक है बस इसी से आपको पता चलता है कि स्ट्रैप बीम है देखो कॉलम सी वन तो इन्होंने कहा है कि कॉलम सी वन बाउंड्री लाइन पे है ठीक है बिल्डिंग्स की प्रॉपर्टी लाइन पे है हमारे यहाँ पे पूरा बाउंड्री पर ना यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड इट्स फुटिंग कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड द आउटर फेज ऑफ द कॉलम वो तो है कि हम फुटिंग एक्सटेंड नहीं कर सकते डिजाइन ए कंबाइंड फूटिंग विद अ स्ट्रैप बीम देखो मैं यहाँ पे सिंपल भी कह सकता है डिजाइन एम कंबाइंड फूटिंग बस विद अ विद्रैप बीम नहीं कहता ना फिर भी आपको पता है कि प्रॉपर्टी लाइन आ गया तो इसका मतलब आपको स्ट्रैप बीम फूटिंग आपको डिजाइन करनी है फिर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डिजाइन कंबाइंड फोटिंग विद बीम फॉर द टू कॉलम्स ठीक है ये दो कॉलम्स के लिए सी वन सी टू बियरिंग कपैसिटी होता है सॉइल मतलब सिग्मा आपका क्या है सिगमा एस बी सी आपका क्या है सॉल बियरिंग कैपेसिटी आपको वन फिफ्टी किलोमीटर मीटर स्क्वायर दी हुई है यूज एम फिफ्टीन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड माइल एनफोर्समेंट ठीक है ये आपको सारी चीजें दी हुई है देखो मेरा सबसे पहले काम होता है कि मैं गिवन लिख लू ठीक है गिवन लिख लू की कॉलम सी वन में आपको सब क्या क्या होता है देखो साइज है डब्ल्यू वन है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रॉपर्टी लाइन तो मुझे पता चल जाना है कि ये वाला प्रॉपर्टी लाइन पर है कॉलम सी टू का मैंने लिख दिया नाइन ट्वेंटी किलोमीटर एल आपका फोर पॉइंट फाइव है सिगमा एस बी सी आपका क्या सी सी आपका कन फिफ्टी किलोमीटर मीटर स्क्वायर एम फिफ्टीन एंड माइल्ड स्टील ठीक है अब हम देते हैं सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा डिजाइन शुरू करने के लिए तो देखो सबसे पहले स्टेप आता है स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन कॉन्सेंस स्टेप इसलिए बना है कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन कॉन्सेंस क्योंकि मैं कर रहा हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ठीक working stress है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करते हो अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हो लिमिट स्टेट मेथड से तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी होती है क्योंकि आपके स्क्वेयर्स में आते हैं वैल्यूज ठीक है जब आप एरिया ऑफ स्टील निकालते हो तो स्क्वेयर्स में आती है डी निकालना तब स्क्वेयर्स में आती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है तो मुझे वर्किंग स्टेट मेथड ज्यादा इजी लगता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड थोड़ी वर्किंग स्ट्रेस मेथड मुझे बहुत ईजी लगता है ठीक है क्यों लगता है ये बस आपको ये वैल्यू पहले से निकालनी है उसके बाद आपको कहीं ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बस सिंपल आपका फॉर्मुलाज याद हो अगर याद भी नहीं है फिर ये आपको बता दू एसपी सिक्सटीन में आपका आता है ठीक एसपी सिक्सटीन का आपका सारा कुछ डिजाइन क्वेश्चन की सारी दी हुई है वर्किंग स्ट्रेस मेथड मैथडी अगर आपको पेज नंबर जाना था वन एटी नाइन कुछ होगा एसपी सिक्सटी का तो उसमें सारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में सब डिटेल दी हुई है लेकिन कुछ ना कुछ हम इसमें लिमिट स्टेट मेथड भी यूज करेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ही हमारा यूज होगा देखो कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन कौन से तो देखो यूजिंग एम फिफ्टी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा सिग्मा सीबीसी जो कि हमारा परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो हमारा फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर स्क्ता है जो हमारा स्टूडेंट फोर्स में हमारा क्या आता है परमिसिबल स्ट्रेस तो वो हमारा आता है वन फोर्टी न्यूटन पर एमएम एम इज कल टू नाइनटीन जहां पर हमारा एम के मॉडलर रेशियो है मैं सारी चीजें आपको दिखा भी देता हूँ एक बार ये सारा आपका आई एस फोर फाइव सिक्स में ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने बी में डी पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू की डी पार्ट में आपका यह आएगा आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड आपको दिखा भी देता हूँ एक बार मैं तो देखो हम आगे एन एक्जेट बी पर हमारा देखो क्लॉज नंबर बी 2.1.2 डी पार्ट में हम आ गए ठीक है डी पार्ट में रेशियो एम एज वैल्यू टू एट्टी बाई थ्री सिग्मा सी बी ठीक, ठीक? अब सिग्मा स्ट्रेस है ना ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट ठीक है अब इन्होंने कहा है कि देखो ये वाला तो मैंने पे लिख दिया क्योंकि हमें एम निकालना ठीक है ये वाला फॉर्मला मैंने लिख दिया दे अब देखो सिग्मा सीबीसी मैंने तो यहाँ पे फाइव बोल दिया फाइव कहां से आया वो मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने कहा टेबल नंबर ट्वेंटी वन टेबल ट्वेंटी वन जस्ट आपका नेक्स्ट पेज पर आएगा तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस इन कंक्रीट तो वही हम फाइंड करने वाले एम फिफ्टीन के लिए एम फिफ्टीन के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा फाइव तो मैंने यहाँ पे वही फाइव डाला है तो यहाँ वैल्यू डाली तो आपको कुछ पॉइंट कुछ समथिंग आता है तो आप उसको अप्रोक्स नाइनटीन कर सकते हैं क्योंकि आपको ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में चाहिए तो हम एम इज नाइनटीन कर देते हैं अब सिर्फ बचा हमारा गया सिग्मा एस टी तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ तो देखो ये भी आपका जस्ट नेक्स्ट पेज पर था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो टेन जी प्रिंसिपल स्टील एंड फोर्स में तो यहाँ पे लिखा हो देखो टेंशन सिग्मा एस टी ठीक है यहाँ पे देखिए अप टू एन इंक्लूडिंग ट्वेंटी एम मतलब ट्वेंटी एम एम तक अगर आपका बार है मतलब जो आप स्टील एनफोर्समेंट यूज करोगे तो मैंने सारे ट्वेंटी एम mm तक ही करे तो आपका क्या आएगा वन फोर्टी आएगा ठीक है ये हमारा स्टीअप में भी आ जाएगा और सिंपल हमारे टेंशन एनफोर्समेंट में भी आ जाएगा तो वन फोर्टी हम यहाँ पे लेंगे सिग्मा एस टी तो वही मैंने यहाँ पे सिग्मा एस टी वन फोर्टी न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर लिया हुआ ठीक है ये तो आपको क्लियर हो गया ना सारे डिजाइन हमने कैसे लिया है तो देखो अब उसके बाद हमें क्या निकालना होता है के जे एन आर ठीक है आर यहाँ मेन होता है जे भी कहीं ना कहीं मेन होता है लेकिन आर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे पहले हम के निकालेंगे के हमारा क्या होता है यार सब आपको एसपी सिक्सटीन में मिल जाएगा तो देखो एम सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा सीबीटी प्लस सिग्मा एस टी ठीक है यहाँ से अगर आप वैल्यू साइड डालोगे तो आपको के आएगा जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर ठीक है अब आपको ये आ जाएगा देखो जे कैसे आएगा वन माइनस के बाय थ्री तो वन माइनस के बाय थ्री आपके की वैल्यू डालोगे तो आपको जे आ जाएगा जीरो पॉइंट एट सिक्स फाइव इस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आपको लिमिट स्टेट मेथड भी आना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी आना चाहिए ठीक है अब आर की यहाँ पे क्या हाफ इंटू सी मीबीसी इंटू जे इंटू के सारी वैल्यूज अगर आप ये सारी डालोगे तो आपको क्या आगेगा जीरो पॉइंट एट सेवन फोर तो हमें मोस्टली हमें ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है के का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं होता के सिर्फ ये चीज निकालने के लिए होता है ठीक है अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हो तो आपको स्टेप वन कैंसिल हो जाता है ठीक है आप सीधा स्टेप टू पे आ जाए वो भी हम देख लेते हैं क्या होता है तो देखो स्टेप टू है हमारा फिक्स डायमेंशन ऑफ द फोटिंग में इसका क्या मतलब है देखो हमें फोटिंग का कोई डायमेंशन दी फुटिंग का आपको कुछ नहीं दिया बस आपको बताया कि कॉलम के बीच में जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस आपको फोर फाइव डबल जीरो न ही आपको ब्रेथ दी हुई है ना ही आपको लेंथ दी हुई है फोर्टिंग की कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये सारी डायमेंशन हमें निकालनी होती है क्योंकि पहले हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है हम अगर मैं आपको सारा एक तरह का ब्रीफ में बताऊँ तो आपको सबसे पहले फोटिंग के लिए निकालनी होती है फिर स्ट्रैप बीम की निकालने होते हैं फिर आपको सिरप्स निकालने फिर आपका पूरा डिजाइन खत्म हो जाता है ठीक है तो बस अब आपको फोटिंग के लिए निकालना है ठीक है तो डिजाइन ऑफ फुटिंग देखो क्या होता है पहले सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या बोला देखो लेट एल वन एंड एल टू बी देंथ ऑफ द फुटिंग अंडर कॉलम सी वन एंड सी टू तो देखो एल वन हमारी कॉलम सी वन के लिए फुटिंग के लिए हमारी लेंथ होगी और एल टू हमारी कॉलम सी टू के लिए हो जाएगी ठीक है ये हमारा ऐसे एल टू ये एल वन ठीक है लेट विथ ऑफ टू कॉलम फुटिंग बी ईच इक्वल टू बी तो देखो फुटिंग के जो हमारी विथ्थ है ना वो हम कहते हैं कि दोनों इक्वल है दोनों तरफ हमारी इक्वल है तो बी यहाँ पे भी है बी यहाँ पे आपके पहले से वैल्यूज इसलिए लिखी हुई है क्योंकि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है तो इसलिए आपको पहले से वैल्यू लिखी हुई है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आएगी वैल्यूज तो देखो ऐसे डी दोनों तरफ सेम होगी देखो अब इन्होंने क्या बोला है सबसे पहले देखो लोड ऑन कॉलम सी वन हमारे क्या था फाइव सिक्सटी था लोड ऑन कॉलम सी टू क्या था हमारा नाइन ट्वेंटी था ठीक है ये, ये चीजें होगी अब हमने इन दोनों को एड हमारा टोटल लोड क्या हो गया हमारा वन फोर एट जीरो किलो न्यूटन ये टोटल लोड हमारा हो गया वन फोर एट जीरो किलोमीटर अब हम कहते हैं कि टेन परसेंट ऑफ सेल्फ वेट एंड सॉइल ओवर इट ठीक है फोटे के ऊपर कोई भी सॉइल हुई या फिर इसका सेल्फ वेट की हम टेन परसेंट एज्यूम करके इसमें ऐड कर देंगे तो टेन परसेंट ऑफ वन फोर एट जीरो हमारा क्या होगा वन फोर एट तो इसमें ऐड कर देते हैं वन सिक्स टू एट किलोमीटर हमारा टोटल लोड आ गया इस पर टोटल लोड आ गया तो अब देखो एरिया क्या हो जाएगा देखो एरिया क्या होगा लोड अपॉन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ठीक है लोड अपॉन सॉइल बेरिंग कैपेसिटी आपको क्या दे देता है एरिया दे देता है ठीक है एरिया देगा ना कि मतलब कि आपका पूरा लोड कितना पड़ रहा है आपके पूरे सॉइल पे ठीक है तो सॉइल की आपको बेनिंग कैपेसिटी दी हुई है तो अगर आप उससे डिवाइड करते हो लोड को तो आपको क्या आता है देखो टोटल एरिया तो एरिया ऑफ फूटिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 150 देखो डिवाइड आपको दिया एरिया टेन पॉइंट एट फाइव थ्री अगर आप टेन पॉइंट नाइन लेना चाहते हो फिर भी ठीक है तो टेन पॉइंट एट फाइव थ्री मीटर स्क्वेयर हमारी यहाँ पे एरिया ऑफ फूटिंग गई तो अब इससे हम सारी अपनी डिमेंशन निकालेंगे तो देखो अब आपको पता है एरिया क्या होगा फूटिंग का देखो टोटल एरिया हमारा फूटिंग बी इंटू एलेवन इंटू बी इंटू एल टू ठीक है प्लस में आएगा ना इसका और इसका इसके बीच वाला कोई एरिया नहीं हमने लेना सिर्फ ये और ये लेना है तो वही हमने लिखा देखो बी इंटू एल वन प्लस बी इंटू एल टूज टू एरिया हमारे बी तो तो हमने एलवन प्लस एल टूज टेन पॉइंट एट फाइव थ्री देखो अब यहाँ पे सारा हमारा डिजाइन का खेल किस पर होता है जमशन पर होता है तो हमने कह दिया कि लेटेस्ट फिक्स वैल्यू ऑफ बी हमने कह दिया वेट्स हमारी टू पॉइंट फाइव आगी आपकी मर्जी आप यहाँ पे थ्री भी ले सकते थे टू भी ले सकते थे मैं कह रहा हूँ आप टू के और थ्री के बीच में लो ठीक है ना टू और थ्री के बीच में अगर आप लेते टू फाइव डबल जीरो लो 2, 2, ले लो कुछ भी ले लो टू पॉइंट टू ले लो टू पॉइंट फोर ले लो आपकी मर्जी है मैं कहूंगा टू पॉइंट फाइव बेस्ट है तो टू पॉइंट फाइव अपने आपने लिया तो देखो एलवन प्लस एल टू ये तो एलवन प्लस एल टू आपकी होगी फोर पॉइंट थ्री फोर मीटर यहाँ से टू पॉइंट फाइव यहाँ डिवाइड हो गया तो एलवन प्लस एल टू प्लस एल टू आपके फोर पॉइंट थ्री फोर आ गया अभी भी हमारा एलवन और एल टू फाइन न्यू है इससे अब देखो हम क्या करेंगे लेट x बाहर बीधर डिस्टेंस ऑफ सी जी होता है कॉलम लोड w1 वन प्लस डब्ल्यू टू फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम सी तो हम कहते हैं कि देखो इसका क्या होता है कि कॉलम लोड का नाम सीजी कह देते हैं कि हम हम इसका डिस्टेंस ऑफ सीजी निकाल लेते हैं ठीक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा हम इसका निकाल लेते हैं सीजी कहां से लेंगे हम कॉलम के सी टू से लेंगे देखो फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम सी टू तो कॉलम सी टू के यहाँ पे सेंटर से लेंगे तो यहाँ पे देखो अगर आपको फॉर्मुला यहाँ पे देखो क्या बनता है एक्स बार इज्कल टू डब्ल्यू वन इंटू एल बाई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस ड़ुण अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मला गलत बता रहे हो कैसे गलत नहीं है मैं बताता हूँ देखो डब्ल्यू वन इंटू एल करोगे ठीक है प्लस में यहाँ पे क्या होगा देखो डब्ल्यू टू इन एल करोगे ठीक है यहाँ पे सॉरी इसका एल वन हो जाएगा इसका एल टू हो जाएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू ठीक है ये कुछ इस तरह हो जाएगा देखो अब देखो अगर हम बोलोगे हम कॉलम सी टू पर ही खड़े हैं कॉलम सी टू पर ही खड़े हैं तो इसका मतलब एल टू अब क्या तो हो जाए जीरो हो जाएगा तो ये टर्म तो तो हो वही मैंने यहाँ पे सिंपल वही लिखा है ठीक है सिंपल वही लिख रहा है डब्ल्यू वन इन टू एल वन एम 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 यहाँ पे क्या करेंट्रल डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉलम लोड के बीच का लोग लोगे ना डिस्टेंस तो यहाँ से तो हमें दिया तो फोर फाइव डबल जीरो एम एम हमें दिया तो फोर पॉइंट फाइव मीटर हो गया तो वही मैंने यहाँ पे डाल दिया दे। देखो फाइव सिक्सटी हमारा डब्ल्यू वन होता है डब्ल्यू वन फाइव सिक्स इन टू फोर पॉइंट फाइव डिविड बाई फाइव सिक्स प्लस नाइन ट्वेंटी ठीक ये तो सिंपल है यहां तक तो आपको सब कुछ आना चाहिए ठीक सी जी आपको आना चाहिए तो देखो एक्स बार हमारे यहाँ पे वन पॉइंट सेवन जीरो मीटर्स मतलब कि यहाँ से जो भी हमारा कॉलम लोड होएगा तो मतलब कि यहाँ से कुछ यहाँ तक का अगर हम कहें तो 1.7 पॉइंट सेवन मीटर्स हमारा यहाँ पे कुछ आ जाएगा ठीक है ये एक्स हो जाएगा एक तरह का ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब कि यहाँ से इस, इनका सीजी क्या हो जाएगा लोड्स का सीजी जी क्या होगा वन पॉइंट सेवन मीटर्स पर आ जाएगा आपका इसका सीजी ऑफ लोड्स कहीं यहाँ कहीं आएगा वैसे बीच में कहीं यहाँ पे ठीक है तो वही इस डिस्टेंस पर आपका यहाँ पे आ जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं आगे क्या होगा तो देखो अब हम कहते हैं सी जी ऑफ द एरियाज ऑफ टू फूटिंग शुड कोई विद द सीजी ऑफ द कॉलम लोड देखो कॉलम लोड का तो हमने सी जी निकाल लिया ठीक है अब हम कहते हैं कि जो तो सी जी हमारा एरियाज ऑफ फूटिंग है ना ये जो फूटिंग का एरिया जो हमारा बनाएगा इनका जो हम सी जी लेंगे ना तो क्वेंसाइड करेगा मतलब कि दोनों टकराएंगे टकराएंगे मतलब कि इक्वल में हो जाएंगे ठीक है इक्वल हम रख सकते हैं क्वेंसाइड करेंगे तो इक्वल रख सकते हैं तो इन्होंने क्या बोला देखो लेट एक्स बार हमने तभी एक्स बार लिया है द टू फुटिंग सी टू तो वही हम दोबारा से कॉलम सी टू पर खड़े हैं ठीक है अब हम कहते हैं एक्स बार तो यहाँ पे आपको पता है कि एल टू तो आपको यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमारे L2 नहीं हो गया सॉरी L हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा ठीक है L हमारे यहाँ पे जीरो होता है हमें वो लेने की जरूरत नहीं है B इन टू एल टू ठीक है इन में एल जो भी हमारा डिस्टेंस आएगा ठीक है अब देखो हम सिंपल एक्स में आएंगे सिंपल इस कॉलम सी वन आएंगे देखो पहले तो एरिया आएगा ठीक है एरिया आगेगा अब एरिया इंटू एल होता है ठीक है एरिया इंटू एल डिवाइडेड बाई एरिया वन प्लस एरिया टू कुछ इस तरह आएगा ठीक है ये ऐसे होगा तो देखो एल वन निकालना अब देखो, एल तो हमें पता है एरिया देखो एरिया तो हमें पता है बी इन एल वन हो गया अब हमें एल निकालना ठीक है सेंटर से निकालना होता है देखो कैसे यहाँ पे खड़े हैं हमें फुटिंग का निकालना है ना कि हमें कॉलम का ठीक है याद रखना हमें फुटिंग का निकालना है ना कि कॉलम का खड़े हम यहाँ पे इस कॉलम के सेंटर में तो अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहां तक का डिस्टेंस फोर पॉइंट फाइव मीटर है ठीक है अब देखो यहाँ पे फोर पॉइंट फाइव हमारा एल आ गया जीरो पॉइंट बाई टू मतलब की देखो सेंटर पे तक था ठीक है जीरो पॉइंट टू फाइव मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर्स डिवाइड बाई टू करो इतना डिस्टेंस आ देगा सिर्फ इतना डिस्टेंस ये आपको दिख रहा है ना सिर्फ इतना डिस्टेंस आ जाएगा अगर मैं इसको सेंटर में लेके आऊँ देखो सिर्फ इतना डिस्टेंस आ जाएगा मतलब प्लस कर दिया मतलब यहां से लेके यहाँ तक का हमें डिस्टेंस आ गया लेकिन हमें तो फुटिंग का चाहिए फुटिंग का हाफ पे चाहिए ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो माइनस एल वन बाई टू तो एल वन हमने लेट लिया था तो डिवाइड तो बाई टू कर दिया आप यहाँ पे पहुंच गए ठीक है पूरे पूरे सेंटर पे पहुंच गया फुटिंग है, तो वही है ना आपको सीजी तो यहाँ पे सेंटर ऑफ फुटिंग से ही लोगे ना एक है ना यहाँ से आप डिस्टेंस तो सेंटर ऑफ फुटिंग ही हो जाएगा तो देखिए सेंटर ऑफ फुटिंग में हम यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ से अगर आप जो सीजी लोगे वो इक्वल टू आप क्या रखते हो जो हमने कॉलम लोड्स के लिए निकाला था कॉलम लोड्स के लिए हमने क्या निकाला था वन पॉइंट सेवन ये 1.7 हमने ऐसे निकाला तो आपका सारा कुछ कैलकुलेशन करके देखो यहाँ से बी से बी कट जाएगा ठीक है बी का रोल यहाँ पे कट हो जाएगा देखो यहाँ से सारी कैलकुलेशन निकाल के आपका क्या एलवन स्क्वेर मैंने नाइन पॉइंट टू फाइव एलवन प्लस फोर्टीन पॉइंट सेवन सिक्स जीरो तो ये कोई भी मेथड से कर लो आप चाहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कर लो चाहे लिमिट स्टेट मेथड से ये स्टेप्स तो सारे आपके सेम रहेंगे सिर्फ आपके फॉर्मुलाज बदलते हैं जो कि हमारे डी के निकालने के लिए होते हैं ठीक है एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए होते हैं या फिर मूवमेंट निकालने बस ये तीन फॉर्मुलाज बदलते हैं बाकी सब सेम रहता है ठीक है अब आपको देखो L1 है तो स्वेयर से आप वैल्यू सबसे मिनिमम लेना क्या पे टू आई है मेरे ख्याल से दूसरी वैल्यू शायद आपकी सेवन पॉइंट कुछ आती है या फिर नाइन पॉइंट कुछ आती है ठीक है तो लेकिन आपको मैक्सिमम नहीं लेनी सबसे मिनिमम लेनी तो मिनिमम हमारी क्या होगी एलवन की टू पॉइंट जीरो फाइव मीटर्स एलवन ये आगे ठीक है एलवन प्लस एल टू आपको पता था क्या चीज मैं दिखाया तो आपको एलवन प्लस एल टू हमारा क्या था फोर पॉइंट थ्री फोर मीटर्स ठीक है अब हमारी एलवन की तो आ गई वैल्यू टू पॉइंट जीरो फाइव मीटर तो फोर पॉइंट थ्री फोर से हम माइनस कर देंगे अपने टू पॉइंट जीरो फाइव तो वही मैंने यहाँ पे लिखा देखो फोर पॉइंट थ्री फोर माइनस टू पॉइंट जीरो फाइव टू हमारे क्या आ जाए यहाँ पे टू पॉइंट टू नाइन अब हमने इसको अप्रॉक्स कर दिया टू पॉइंट जीरो दिया एल वन इजल टू पॉइंट वन और हमने एल टू क्या हो जाए यहाँ पे टू पॉइंट थ्री ठीक है तो वही मैंने यहाँ पे अपने आपको फिगर में दिखाया देखो एलवन हमारा टू पॉइंट वन तो मतलब टू डबल जीरो एम एम और यहाँ पे हमारा आ गया टू पॉइंट थ्री मतलब की टू थ्री डबल जीरो एम एम ठीक है आपकी सारी डायमेंशन तो आई ठीक है अब हम देखते आगे क्यों आगे डायमेंशन को लेते हुए देखो अब आता है मैंने स्टेप थ्री डिजाइन ऑफ फोर्टिंग स्लैब तो देखो मेन आपका अब यहीं से शुरू होता है सबसे पहले जो भी आप कर रहे थे वो आपको पता था या फिर सिंपल फिजिक्स जो भी आपको कुछ भी लग रहा था वो था अब हम करते थे मेन चीज तो देखो लेट द द ऑफ स्ट्रैप बीम तो ऑफ स्ट्रैप बीम हम कह रहे हैं ये जो हमारे बीम है ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे स्ट्रैप बीम है इसकी विद्थ हम कहते हैं थ्री एटी आए आप पूछोगे स्ट्रेबीम यहाँ पे ले रहे हैं डिजाइन ऑफ तो फोर्टिंग स्लैब कर रहे हैं वो भी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने थ्री लिया अब देखो थ्री हमने कैसे लिया ये ऐसे नहीं है कि मैंने सिर्फ लेट वैसे ही कर दिया मन में आया तो थ्री आपको सबसे मैक्सिमम साइज देखना है कॉलम का देखो कॉलम सी वन आपको क्या टू फिफ्टी था टू फिफ्टी अब आपको सी टू देखना है देखो थ्री एटी 380 380, तो 380 ले लो बेस्ट है ठीक है मतलब ज्यादा मतलब कॉलम जितना ही ले लो तो थ्री एटी बेस्ट है तो मैंने थ्री एटी ले लिया अगर यहाँ पे फोर हंड्रेड होता तो मैं यहाँ पे फोर हंड्रेड mm एम एम ले लेता ठीक है लेट विथ ऑफ बीम इज इक्वल टू फोर हंड्रेड एम एम ठीक है आपको समझ आ गया मैंने विद कैसे ली अब देखो द कैंटिलीवर प्रोजेक्शन ऑफ द फुटिंग स्लैब बियॉन्ड द फेस ऑफ सैफ बीम इज देखो अब ये चीज क्या है देखो अब आपको ऐसे तो समझ आएगी नी की बी वन आपने क्या कर दी इज्वल टू हाफ ब्रैकेट में टू पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट का इज्वल टू वन पॉइंट जीरो सिक्स मीटर तो आपको ये तो कुछ समझ आएगा नहीं कैसे वो मैपा देखो अब आप समझो आप ऐसे खड़े हो ठीक है आप ऐसे फ्रंट में खड़े हो इसके मतलब की आप ऐसे खड़े हो ठीक है अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा होगा देखो अगर मैं आपको समझाऊँ तो आप अगर यहाँ पे ऐसे खड़े हो तो आपको ऐसे स्ट्रैप बीम दिख रहा होगा ठीक है स्ट्रैप बीम के बाद आपकी ऐसे एक फुटिंग दिख रही होगी ठीक है आपको ऐसी फुटिंग दिख रही होगी और ये आपको ऐसे स्टेप बीम जाता हुआ दिखेगा ठीक है ऐसे स्ट्रे बीम आपको ऐसे दिखेगा ठीक है सामने से ये हमारी फुटिंग हो जाएगी अगर आप यहाँ पे सामने खड़े हो अगर आप यहाँ पे सामने कॉलम तो चलो दिखिए आपको लगा लो आप कॉलम ही दिख रहा है ठीक है यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है यहाँ पे बीम दिख रहा है आप जो भी कुछ कह लो ठीक है यहाँ पे सिर्फ इतने से एरिया में बात कर रहा करो ठीक है अब आपको ऐसे दिख रहा होगा देखो इसकी विड तो आपकी क्या है थ्री एट्टी आ जाएगा ठीक है इसकी विड तो आपको पता है थ्री एट्टी आ जाएगी ठीक है अब आपको पूरी कॉलम की लेंथ भी पता है देखो बी हमारा यहाँ पे क्या टू पॉइंट फाइव था ठीक है अब मैं कहता हूँ कि द कंटिन्यूशन ऑफ फुटिंग स्लैब बियॉन्ड द फेस ऑफ स्ट्रे बीम Fi, डिस्टेंस निकालना, मुझे सिर्फ इतना है मैं पूरा नहीं लूंगा टू पॉइंट फाइव का हाफ करेंगे तो देखो यहां तक पहुंच जाएंगे ठीक है टू पॉइंट फाइव का हाफ करेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे इतना डिस्टेंस आ जाएगा और अब हम हाफ करेंगे थ्री एट्टी का तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ठीक है ये वाला डिस्टेंस और अगर हम इस डिस्टेंस को इस इतने में से माइनस कर देंगे तो आपको क्या बचेगा इतना तो ही डिस्टेंस तो बच जाएगा और वही तो हमें चाहिए यहाँ पे इतना ही तो कंटिलोर प्रोजेक्शन हमें चाहिए ठीक है इतने प्रोजेक्शन चाहिए वही मैंने यहाँ पे तो बस हाफ मैंने कॉमन ले लिया तो मैंने यहाँ पे टू पॉइंट फाइव हाफ माइनस जीरो पॉइंट थ्री एट का हाफ लिया यहां से हमारा वन पॉइंट जीरो सिक्स आ गया तो मैंने बस यहाँ पे टू यहाँ पे हाफ बाहर कॉमन ले लिया तो बस यही चीज मैंने आपको बता दी यहाँ पे समझा के मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये टू वन पॉइंट जीरो मीटर तो वो ये आगे दस कंसीडर वन पॉइंट जीरो सिक्स मीटर वाइड स्ट्रीप ऑफिंग स्लैब तो इस स्लैब को देखते हुए मतलब इतनी स्ट्रिप को देखते हुए हम फुटिंग स्लैब अपना डिजाइन करेंगे ठीक है अब आपको ये सारा समझ आ गया अब देखो सबसे पहले क्या आएगा देखो अगर आपको मूवमेंट पता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट पता है तभी आप निकाल सकते हो ना स्टील वगैरह सब कुछ डेप्थ तो वगैरह देखो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आपको यहाँ पे होगा पी इंटू बी वन का स्क्वायर ठीक है मतलब आपको पता है कि एम एल स्क् होता है ना देखो एम एल स्क् आपका यहाँ पे हो जाएगा तो देखो p इंटू बी वन का स्क्वेयर टू वन थर्टी फोर पॉइंट सिक्स ठीक है पी आपका वन थर्टी फोर पॉइंट सिक्स कैसे है ये भी आपको बताता हूँ तो देखो ये मैंने पिछली वाली शीट पे लिख के रख दिया था पहले से देखो नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर ठीक है ये एक तरह का आपको यहाँ पे इसके बाद स्टेप सही है मैंने आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैं आपको अलग से समझाना चाहता था इसलिए मैंने पहले से लिख के नहीं रखा था तो नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर ठीक है तो मतलब इस पर सॉइल प्रेशर कितना लग रहा है ऊपर का सॉइल प्रेशर देता हूं हमारे इस पर कितना लग रहा है सॉइल पे तभी हमारा सब कुछ निकलेगा ठीक है एक ही तो प्रेशर लग रहा है सोइल पे देखो पीस डब्लू वन प्लस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फुटिंग ठीक है बी इंटू एल वन प्लस बी इंटू एल टू देख अब ये चीज क्या है देखो सेम यही है देखो अब इसमें हमने क्या करें यहाँ पे हमने एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हमने ये चीज करी ठीक है अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिग्मा एस बी अब हमें ये निकालना है और एरिया नीचे आ जाएगा ठीक है एरिया नीचे आ जाएगा हमें ये चीज निकालना है ठीक है बस सेम वही वाला फॉर्मला है बस कोई रिपीट करा है थोड़ा सा उल्टा कर दिया हमने तो वही हमने करा था डब्ल्यू वन आपको पता है 560 प्लस नाइन ट्वेंटी आपको डब्ल्यू टू है तो बी अभी हमने निकाला था 2.5 निकाला था ज्यूम करा था सॉरी बी हमने 2.5 पॉइंट फाइव करा था 2.1 देखो यहाँ पे हमने निकाला है हमारी लेंथ वन एल वन प्लस एल टू मानी है टू पॉइंट थ्री तो टू पॉइंट थ्री मैंने लिया तो यहाँ पे पी आपको क्या देगा अपवर्ड सॉइल प्रेशर क्या आ देगा नेट अपवर्ड सॉइल प्रेशर आपको आएगा वन थ्री फोर पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर मीटर स्क्वेयर तो ये चीज मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे लिख के रखी हुई थी ताकि मैं आपको अलग से सुनता जाता ठीक है लेकिन आपका एक स्टेप है कि इसके बाद आपको ये चीज लिखनी है ठीक है तो अगर मैंने यहाँ पे आपको अलग से समझाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे ये यह चीज निकालो ये आपको इसके बाद ही निकालनी है यहाँ पे ठीक तो है आपने ये चीज निकाल दी तो यहाँ पर आ गया वन थ्री फोर पॉइंट सिक्स अब आपको कितने में निकालना है ये सारी चीज अलग तो वैसे इस पूरी फुटिंग पे दी है ठीक है लेकिन आपको कितने में निकालना है वन पॉइंट जीरो सिक्स पे तो वन पॉइंट जीरो सिक्स का स्क्यर डिवाइड बाई हाफ और हाफ हमने इसलिए लिया क्योंकि ये हमारा क्या है हमारा पूरा वो यूडीएल की तरह है तो यहाँ पे मैंने ये चीज गलत लिख दी तो डब्ल्यू एस स्क्र बाई टू वाला चाहिए तो मुझे यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसे डिवाइड बाय टू करना चाहिए था, ठीक है तो यहाँ पे ऐसे टू तो डब्ल्यू एल है ना आपका यूडीएल के लिए तो देखो वही आगे डब्ल्यू ये आ गया एल स्क्वायर वन पॉइंट जीरो सिक्स का हाफ ठीक है अब एल स्क् वन पॉइंट जीरो टू तो यहाँ से अगर आप निकाले देखो, देखो आपकी मैक्सिम बैंड यहाँ पेवेंटी टू सॉरी फाइव पॉइंट सिक्स टू किलोमीटर मीटर और हम इसको अगर न्यूटन एमएम में करें तो सेवेंटी फाइव पॉइंट टू इंटू टेन एस टू पर एम एम ठीक है ये इसमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे डी वैर है किस में एम एम में निकले तो आपको ये ईवरी चीज पुट करनी है देखो और हमारा मूवमेंट तो आ गया ठीक है अब आपको मूवमेंट आ गया अगर आप अब अगर आप लिमिट स्टेट मेथड से कर रहे हो ठीक है लिमिट स्टेट मेथड से करो तो आपको कौन सा फॉर्मला यूज होता है वही मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो आप इन वाले फॉर्मे से कर सकते हो ठीक है एनेक्जी जी में जो हमारे फॉर्मलाज है ना ये वाले इन सब लिमिट स्टेट मेथड में आप सारे कुछ निकाल सकते हो ठीक है डेप्थ निकाल सकते हो मूवमेंट वगैरह कैसे भी निकाल सकते हो एरिया ऑफ स्टील तो लेकिन मैं तो कर रहा हूँ वर्किंग तो मुझे तो ये वाला फॉर्मुला आसान लगता है ठीक है अगर आपको याद वैसे याद ही हो जाएंगे अगर एक दो बार आप करोगे खुद से तो आपको याद हो जाएंगे तो रिक्वायर्ड इफेक्टिव हमारी क्या हो जाएगी डी डी टू अंडर रूट एम बाई आर इंटू बी तो मैंने कहा था आर इंपॉर्टेंट होता है देखो B, हमारा एम तो हमने निकाल लिया सेवेंटी फाइव पॉइंटी एम एम ठीक ये हमने निकाल लिया बी आपको बता हम हमेशा यूनिवर्सली डेथ लेके चलते हैं हमारी थाउजेंड एम एम हमारी यहाँ पे हो जाती है ठीक है बी हमारे यहाँ पे 1000 mm होता है थाउजें डिजाइन में पता है और आर हमने निकाल ही लिया था डिजाइन कौन सा जीरो पॉइंट एट से आपने सारी वैल्यूज डाल ली ठीक है देखो कितना इजी हो गया कहाँ आप करते डी स्क्वायर वगैरह वो सारा बहुत हॉप हो होता लिमिट सेट मैथड में ठीक है, है? वर्किंग मेथड में आपको देखो बस ये तीन चीजें ही डालनी है और आपका आंसर निकल आएगा ठीक है तो अगर आप इसको सारा कुछ सोल्व करोगे तो आपका आंसर डी क्या निकलाएगा देखो टू नाइन फोर एम एम तो डी आपका यहाँ पे निकला है तो हम कह रहे यूजिंग सिक्सटीन एम एम डायब बार ठीक है मैं कह रहा हूं कि सोल एम डाय बार हम यूज करते हैं एंड क्लियर कवर हमारे फिफ्टी एम का है तो ओवरऑल डेप्थ हमारे यहाँ पे क्या आएगी टू नाइन फोर प्लस फिफ्टी प्लस सिक्सटी बाई टू अब आप पूछोगे सर ये सारा कैसे चीज है अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं पता तो मैं फिर भी एक बार करके दिखाता हूँ देखो ये हमारे ऐसे सर स्टील और ये पूरा हमारे सॉरी बीम होता है एक तरह का एक मैंने सेक्शन काट लिया ठीक है देखो अब हम कहते हैं सोलह एम के बाज निकालने ठीक है सोलह एम के हमारे ऐसे बास डल जाएंगे ठीक है अभी हमने क्या निकाला यहां से लेके ये सिर्फ यहाँ तक निकाला है डिफेक्टिव ठीक है डिफेक्टिव हमारे यहाँ तक कुछ ऐसे निकला है सॉरी थोड़ा यहाँ तक होएगा ठीक है ये थोड़ा यहाँ तक होएगा थोड़ा आपको क्लियरली बता पाऊंगा ये यहाँ तक होएगा ठीक है इसके हाफ तक होएगा ये थोड़ा सा ऊपर रह गया तो यहाँ तक होगा ये ठीक है ये हमारा पूरा डिफेक्टिव हमने निकाला ठीक है अब मैंने कहा क्लियर कवर तो क्लियर कवर हमारा क्या हो, तो होता है यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट से एरिया होता है ना ये हमारा क्लियर कवर होता है तो इसे मैंने फिफ्टी एम कह दिया दिख्थ। और यहाँ पे हमने कह दिया सोलह एम के सोलह एम के मतलब हाफ तक तो हम पहुंच ही गए तो हाफ ही हमारे यहाँ पे रह गया तो ओवरऑल डी आपका ये पूरा होता है ओवरऑल डेप्थ तो यहाँ पे होगा डी प्लस यहाँ पे देखो सिक्सटीन बाई टू इतना सा प्लस फिफ्टी वही मैंने लिखा सिक्सटीन बाई टू प्लस फिफ्टी मैंने सारे सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट सारे समझाता चलूंगा तो इसके थ्री फाइव टू एम तो हमने कह दिया ओवरऑल डी आपको क्या हो गया थ्री सिक्सटी एम हो गया तो थ्री सिक्सटी एम हमने ऐसे ओवरऑल ले लिया तो हम निकाल दिया डी इफेक्टिव हमारा इससे क्या आ जाएगा ठीक है यहाँ पर भी आप ओवरऑल कर सकते थे ये स्टेप सिर्फ मैंने वैसे ही कर दिया आपको नहीं करना आपकी मर्जी है तो अवेलेबल इफेक्टिव डेटा तो डी क्या होगी थ्री सिक्सटी मैंने फिफ्टी मैंने बाई टू तो डी आपके आगे तीन सौ दो एम एम तो यहाँ पे आप तीन सौ भी ले सकते थे यहाँ पे भी आप तीन सौ ले सकते थे कोई बड़ी बात नहीं सारा का खेल होता है तो डीजिकल यहाँ पे तीन सौ एम एम आपका यहाँ पे आ जाता है ठीक है डीफेक्टिव आपका यहाँ पे आया था फुटिंग का ठीक है अब देखो ये चीज कोई नहीं बताता आपको कि आपको क्या होता है देखो जब भी आप अगर आप बनाओगे ना लास्ट में आपका एनफोर्समेंट मैं भी दिखाऊंगा आपको एनफोर्समेंट डिटेल्स तो आपका ना कुछ इस तरह बनता है ठीक है इन्फोर्समेंट डिटेल्स आपकी फुटिंग की कुछ इस तरह बनती है ठीक है अब ये ना ऐसे टेपड़ होती है ठीक है लास्ट पे टेपड़ होती है लेकिन अगर जब भी आपको इस देखेगा ना आपको बताएगा तो ये आपको ये चीज बताएगा नहीं कि आपको पहले से करनी होती है ठीक है वो सिर्फ लास्ट में आपको पहले से यहाँ पे वैल्यू लिख के रखी होगी और आपको समझ आएगा सर ये क्या चीज है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ देखो हम कह रहते हैं कि यहाँ से ना ऐसे हमारी ऐसे जा रही होती है ये चीज ठीक है या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे ऐसे जा रही होती है हमारी फुटिंग ठीक है फुटिंग कभी ऐसे फ्लैट नहीं है देखो ऐसे जाके ऐसे हो रही है ठीक है तो यहाँ से हमारी ये वाली तो डेप्थ हमारी ऐसे निकल गई ठीक है डीफेक्टिव हमारी यहाँ पे तीन सौ दो एम एम निकलगी तो हम कहते हैं कि ओवरऑल डेप्थ हमारी यहाँ पे टेपड एज पर हमारे यहाँ पे क्या होती है देखो एट दौ सौ एम एम तो यहाँ पे हमारी पूरी दो सौ एम है तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या होगी वन फोर्टी टू एम एम ठीक है 142 mm. हमारी पूरी वन फोर्टी टू हमारी इफेक्टिव डेप्थ होगी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी आपको ये चीज बताता है नहीं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डिटेल्स हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अब आपका डी निकल गया ये सब निकल गया अब हम इसका देख लेते हैं कैसे हमारी इन्फोर्समेंट निकलेगी तो देखो अब आता है मैंने स्टेप फोर देखो मैंने आपको इन्फोर्समेंट कैसे निकलेगी लेकिन आपको इन्फोर्समेंट निकालने से पहले आपको डी का आपको चेक लगाना पड़ेगा जो कि हमारे कैसे होगा चेक फॉर शेयर वन वे शेयर तो वन वे शेयर टू वे शेयर हमारे यहाँ चेक होते हैं फोर्टींस के लिए तो ये तो आपको पता होगा जो कि अभी हम लगाने वाले हैं ठीक है आपको पता ना तो देखो कंसिडर जेडर सेक्शन फॉर वन वे शेयर एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ बीम ठीक है ऐसे होता है हमारे जेडर सेक्शन हमारे डी फेस से ले लिया ठीक है मतलब की डी डिस्टेंस से ले लिया डी हमारे यहाँ पे तीन सौ दो आया था तीन सौ दो हमारे आया हमने कहा कि डी इफेक्टिव डिस्टेंस से हमें लेना है जेड जेड सेक्शन तो इस पे हम निकालेंगे शेयर ठीक है तो तीन सौ दो एम का हमारे हमने दूर ले लिया देखो शियर फोर्स एट जेड जेड सेक्शन का हमारी क्या आएगी देखो शियर फोर्स यहाँ पे हमारी क्या आएगी इस सेक्शन पे हमारी यहाँ पे क्या वीज कल देखो पी ठीक है पी हमारी जो हमारे यहाँ पे फोर्स लग रही थी ठीक है सॉइल की जो हमारी नेट अवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा था पी वही है वन थ्री फोर पॉइंट सिक्स देखो ब्रैकेट में बी वन तो पूरे माइनस ये कर दोगे ठीक है पूरा माइनस ये कर दोगे तो आपकी यहाँ पे पूरी शेयर फोर्स यहाँ पे निकल जाएगी ठीक है इस पॉइंट पे निकल जाएगी तो क्या निकलेगी वन पॉइंट जीरो सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो टू तो ये हमने एमएम में करा तो वी हमारी क्या होगी एक सौ दो किलोमीटर पर मीटर ठीक है तो किलोमीटर पर मीटर हमारे यहाँ पे पूरी शेयर फोर्स निकलाई ठीक है तो यहाँ पे हमारी हर मीटर पर हमारे यहाँ पे, याम पे कितनी लग रही है एक लग रही है ठीक है हमारी ऐसे निकली अब देखो इफेक्टिव डेप्स भी निकालने कोई कहता है यार सिंपल तीन से लेके चल लो कोई कहता है यार यहाँ पे डी इफेक्टिव ले लो ठीक फैक्टिव डी वन यहाँ पे ले लो कोई कहता है यार ज्यादा सेक्शन में मत लो सीधा बड़ी ले लो तब भी ठीक है मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे ले तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको पता देखो वन फोर्टी टू ठीक तो यहाँ तक होगी अब हम सिर्फ इतना निकालें तो उसके लिए आपको क्या है तीन सौ दो माइनस वन फोर टू तीन सौ दो माइनस वन फोर टू बाई वन जीरो सिक्स जीरो और वन जीरो सिक्स जीरो और कहाँ पे चाहिए वन जीरो सिक्स जीरो माइनस थ्री जीरो टू तो यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे आपकी निकल आएगी टू फाइव सेवन mm. पॉइंट नाइन एम एम ये फेक्टिव आपको निकली ये तो आपको पता होगा सिंपल है ये तो ठीक है अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप सिंपल डी लेके चल सकते हैं तीन सौ दो हम लेते हैं ठीक है ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं आप यहाँ पे तीन सौ दो भी ले सकते हो तो यहाँ पे देखो टाव वी टावी देखो टाव वी हमारे यहाँ पे क्या होता है आपको भी पता है नॉमिनल शेस्ट तो ठीक है नॉमिनल शेयर हमारे यहाँ पे होता है वी तो टाउवी टाव वी बी वी डिवाइडेड बाई बी इंटू डी वन ठीक है बी इंटू डी वन है ठीक है डी वन है याद रखना यहाँ पे निकाला अगर आपने ये नहीं निकाला तो बी इंटू डी होता है सिंपल तो वी यहाँ पुट करोगे एक सौ दो इंटू दस दस की पार तीन मतलब की वन जीरो हंड्रेड सॉरी थाउजेंड इंटू टू फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन टू फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन आपको देखो यहाँ पे ये डी इफेक्टिव निकला डी वन तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ है देखो वी की नॉर्मल स्ट्रेस आपको यहाँ पे क्या आए जीरो पॉइंट फोर न्यूटन पर एम एम स्क्वेर है अब ये तो आपका ऐसे आ गया ना न्यूटन पर एम एम स्क्र तो अब देखते हैं इससे चेक कैसे होगा देखो अब चेक के लिए देखते हैं आगे देखो परमिशिबल स्ट्रेस टाउ सी फॉर अ बैलेंस सेक्शन तो बैलेंस सेक्शन हमारा हमारा क्या होता है ये तो इसका क्या होता है जीरो पॉइंट थ्री थ्री न्यूटन पर एम स्क्वायर लेकिन आप बोलोगे सर कि यार ये तो हमारा निकलेगा ही नहीं कौन से वाले से अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार इस वाले टेबल से कहोगे आप सर की हमारा तो ऐसे निकल ही नहीं रहा है हमारा फॉर बैलेंस सेक्शन जीरो पॉइंट सेवन टू देखो जीरो पॉइंट सेवन टू अगर हम जाए तो फाइव के ऊपर तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर सिक्स से बढ़ा रहा है लेकिन आपको चाहिए जीरो पॉइंट थ्री थ्री है ये इसलिए है क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए करा है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा ये भी टेबल आपका फर्क जाता है जो कि हमारा क्या होता है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का टाउसी का जो की प्रमिशियल से, से होता है तो उसके लिए हमारे टेबल फर्क जाता है ठीक है तो फर्क क्या आता है देखो अब आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा ये एसपी सिक्सटीन से लिया हुआ है एसपी सिक्सटीन से लिया हुआ है, जो की हमारा टेबल नंबर एट्टी हो जाता है पे नंबर में अगर हम आपको बताओ तो 207 पर हो जाता है ठीक है ये आपका ऊपर आ रहा होगा तो आप उसमें आराम से चेक कर सकते हो तो यहाँ पे आपका 0.33 न्यूटन पर एम ए स्क्र आएगा अब इससे क्या बदल है देखो टाओव वी बड़ा है हमारा टाउ सी से ठीक है तो वी आपका देखो यहाँ पे जीरो पॉइंट फोर आया था आपका टाउ सी आया जीरो पॉइंट थ्री थ्री न्यूटन पर एम तो मतलब ये क्या हुआ वी इज ग्रेटर देन सी द डेप्थ ऑफ द स्लैब शुड बी इंक्रीज तो डेप्थ हमारी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप डेप्थ बढ़ाओगे तभी आपका ये पूरा होएगा ठीक है तो तभी आपका टाव सी बड़ा आएगा ठीक है तो वही हमने यहाँ पे कर दिया हमने कहा कि यार क्या ही करना है ठीक है हम सीधा कहते हैं जो हमारी डेप्थ आई है हमने जीरो पॉइंट थ्री थ्री ले लिया क्योंकि हमें पता है बैलेंस सेक्शन की जीरो पॉइंट थ्री थ्री है तो हमने टाउ सी हमने सीधा जीरो पॉइंट थ्री थ्री ले लिया अब इससे कंपेयर करके हम अपनी डी वन निकाले डी वन डैश हम यहाँ पे निकाल तो डी वन डैश हमारे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा डी वन डैश इधर चला गया जीरो पॉइंट थ्री थ्री नीचे आ जाएगा देखो बी हमारा वही है बी वी वही है थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट थ्री थ्री कर तीन सौ नौ आ गया ठीक है अब हम इसको प्रोक्स कर दिया मैंने देखो मैंने कहा था प्रोक्स कर सकते हो आप तो डी वन डैश आपका तीन सौ दस एम एम आ गया ठीक है तो ये आपको पूरा एग्जैक्ट आ गया ठीक है अब इस पर फेल नहीं होगा ठीक है इस पर आपका टाउसी बड़ा आएगा मतलब टाउसी फिर बड़ा ही आ जाएगा देखो जीरो पॉइंट थ्री थ्री हमने लेके चले तो ओवरऑल डेप्थ हमारी वो होगी देखो तीन सौ दस प्लस पचास प्लस सोलह बाय दो थ्री तो सिक्सटी एट एम हमारी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी जो कि हमारी थ्री सेवनटी हो जाएगी तो वही सेम प्रोसीजर से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस कर दी चीजें तो थ्री सेवनटी से माइनस करते दी हमारी डिफेक्टिव क्या आएगी थ्री वन टू एम एम ठीक है तो हमारे यहाँ पे डिफेक्टिव भी आ गई बहुत ही ईजिली आ गई ठीक है तो ये आपको पता है ये वन वे शेयर का चेक होता है ये आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ऐसे होगा लिमिट स्टेट मेथड से आपको बस ये आपका टेबल फर्क हो जाएगा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ठीक है अब आपका सारा कुछ निकल गया अब हम करते हैं एनफोर्समेंट तो देखो अब आता है एनफोर्समेंट डिटेल्स तो देखो इन्फोर्समेंट डिटेल्स का ये देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फॉर्मा होता है एरिया ऑफ स्टील के लिए एम बाई डिड बाय जे इंटू डी इंटू सिग्मा एस टी ठीक है मैंने कहा था जे और आर की वैल्यूज हमें यूज होती है के की वैल्यू नहीं होती तो एम डिवाइडेड बायू डे डी इंटू सिग्मा एस टी तो मैंने ये बोला था कि देखो कितना इजी हो जाएगा यहाँ पे मुझे कोई भी स्क्वेर नहीं लेना पड़ा है. लेकिन अगर आप लिमिट स्टेट मेथड में जाओगे तो ए एस टी स्क्र आ जाएगा फिर उसके आप रूट निकालोगे फिर छोटा वाला रूट आपको लेना पड़ेगा तो बहुत ही लंबा चला जाता है तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड सबसे बेस्ट है तो एम डिवाइडेड बाई जे इंटू डी इंटू सिग्मा स्टील देखो यहाँ पे एम हमने डाल दिया सेवेंटी फाइव पॉइंट इंटू सिक्स निकला था ठीक है जे हमारे यहाँ पे जीरो पॉइंट एट सिक्स फाइव था डी अभी हमने निकाला तीन सौ बारह और आपको पता है सिग्मा एस टी हमारा क्या था हमारा प्रिंसिपल से वन फोर्टी तो यहाँ से अगर आप सारा सोल्व करोगे तो आपका एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे आ गया टू थाउजेंड वन एम एम ठीक है तो दो हजार एक हमारा एम एम यहाँ पे आजगा एरिया ऑफ स्टील के इतने स्टील का हमें डालना है ठीक है तो देखो स्पेसिंग निकालते स्पेसिंग ऑफ सिक्स कर चुके हैं तो सिक्सटी डायबार हमारे क्या आएगी ए तो एरिया ऑफ वन बार क्या होता है दो सौ एक एम एम आपको नहीं पता तो कैसे होता तो है देखो पाई बाय में डाय का स्क्वायर ठीक है यहाँ से हम हमके निकले ठीक है ये हमारा ऐसे फॉर्मुला होता है ठीक है एक बार का एरिया निकालने के लिए अगर आपको एन बार्स का निकाल दो इंटू एन कर देना बहुत ही ईजी है तो स्पेसिंग का देखो फॉर्मुला क्या है जो जो मैंने ब्लू पेन से लिखा या फिर रिजम्पन होगी या फिर हमारे यहाँ पे फॉर्मलाज होंगे ठीक है तो वो आपको पता चल ही जाएगा देखो ए इंटू बी बाई ए स्टी देखो एरिया ऑफ वन बार बी हमारे यहाँ पे थाउजेंड रहेगा और एरिया ऑफ स्टील तो यहाँ पे देखो टू वन जीरो इंटू थाउजेंड डिवाइड बाई टू थाउजेंड वन ठीक है तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो तो सौ एम एम आ जाएगा ये तो आपको पता ही है ठीक तो है तो हंड्रेड एम एम सेंटो सेंटर आपका ये हमारा स्पेसिंग आ जाएगा देर फॉर प्रोवाइड सिक्सटी एम डाय बार्स एट हंड्रेड एम एम सेंटो सेंटर फूटिंग स्लैब तो मतलब सोलह एम के डाय बार मतलब कि जैसे अगर आप ये फुटिंग है जैसे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह मतलब ये ऐस, ऐसे बननी थी ठीक है तो अगर आप फुटिंग बननी थी ये वाली चीज ऐसे तो मतलब ये जो नीचे जो हमारे बार ऐसे डलेंगे ना ये वाले बार्स तो ये हमारे कौन से डलेंगे सोलह एम mm एम बार्स डलेंगे सोलह एम एम डायब बार्स एट हंड्रेड एम एम सेंटर टू तो सेंटर तो लास्ट में देखेंगे हम जो हमारा स्टेप टेन होता है या फिर स्टेप नाइन होता है उसमें हम देखेंगे सारे इन्फोर्समेंट डिटेल्स तो आपका ऐसे आ गया अब ये तो आपकी सिंपल इन्फोर्समेंट आ गई ठीक है अब आपको यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट भी तो निकालनी पड़ी ना अब हम वो निकालते हैं तो देखो अब आता हमारे स्टेप फाइव डिस्ट्रीब्यूशनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इनफोर्समेंट आपको पता है या फिर जीरो पॉइंट वन टू परसेंट होता है या फिर जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट होता है तो होता हम ले रहे जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट क्योंकि हमारे माइस्ट इनफोर्समेंट है तो जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट हमने ले लिया है इंटू बन टू डी तो बी ये पे, देखो डी मैंने यहाँ पे देखो क्या डी आप सिंपल भी ले सकते हैं थ्री सेवेंटी भी आप ले सकते थे कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैंने इसलिए लिया थ्री सेवेंटी प्लस टू हंड्रेड डिवाइड बाई टू मैंने एवरेज ले ली ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पे टेपर्ड हो रहा है ठीक है मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमारा ऐसे जाके ये कुछ इस तरह हो जाता है ठीक है ये तो आपको पता ही है तो ये हमारे यहाँ से टेपड़े ना तो मैंने एवरेज ले लिया इसका सारे का ये एवरेज ले लिया ठीक है यह डी यहाँ पे आपको पता है तीन सौ ओवरऑल होगी तो तीन सौ सत्तर यहाँ पे ओवरऑल हमारी दो सौ थी ठीक है तो मैंने ओवरऑल के लिए यहाँ पे एवरेज ले लिया तो तीन सौ सत्तर पर दो सौ बाई टू तो यहाँ से एवरेज लेके आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफोर्समेंट की एरिया क्या आती है देखो एस टी यहाँ पे अगर मैं लिखा तो एस टी आपका आएगा फोर टू सेवन पॉइंट फाइव एम स्क्वायर तो स्पेसिंग ऑफ टेन एम डाय बात थी वो सोलह एम थे अब हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट हम दस एम के डालेंगे तो दस एम का एरिया वन बार आएगा आपको सेवेंटी एट पॉइंट फाइव एम स्क्वायर जिससे की आपकी स्पेसिंग आएगी स्पेसिंग का फॉर आपको पता तो एरिया वन बार इन टू बी हमारे थाउजेंड डिवाइड बाई एस टी तो एस टी हमारा ये था तो हमारा वन एटी एम सेंडो सेंटर आगे तो देर फॉर प्रोवाइड एम डा डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट एट वन एट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशनमेंट हमारी ऐसे डल जाएगी अंदर को ठीक है तो टेनाम की हमारी यहाँ पे डल जाएगी एट वेट सेंडुल सेंटर ठीक है अब ये होगा चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ अब चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी लगा लेते हैं एक बार हमारा थोड़ा थोड़ी जाएगा थोड़ी एक बार अगर आपने नहीं लगाया तो देखो एल डी हमारे फिफ्टी एट पॉइंट थ्री फाइव फाइव हमारा वही है डायमी एट इंटू पॉइंट फिफ्टी एट पॉइंट थ्री इंटू 16 हमारा फिफ्टी एट पॉइंट थ्री इंटीन ओके नाइन थर्टी थ्री एम ओके कैसे हुआ तो देखो, देखो डेवलपमेंट लेंथ का चेक है, अगर आपकी जो हमारी ली है जो की हमने पूरी ली है तो देखो वन जीरो सिक्स जीरो ली है ठीक है वन जीरो सिक्स जीरो एम एम ली है तो अगर ये इससे ज्यादा आ जाते हैं नाइन थ्री थ्री इससे ज्यादा आता है अगर यहाँ पे क्लियर कवर भी छोड़ दिया फिफ्टी फिफ्टी का फिर भी हमारे यहाँ पे क्या आएगा देखो नाइन सिक्सटी तो नाइन सिक्सटी आएगा फिर भी यहाँ पे क्या आएगा नाइन थ्री थ्री बड़ा ही छोटा ही रहेगा यहाँ पे नाइन सिक्स बड़ा हो जाएगा तो वही हमारा चेक फॉर लेंथ ओके ठीक है मतलब यहाँ पे हो गया तो मतलब कि डिजाइन ऑफ स्लैब आपको पूरा यहाँ पे डन हो गया ठीक है अब इसके बाद हम करेंगे स्ट्रैप बीम जो कि हम करेंगे पार्ट टू में ठीक है पार्ट टू का लिंक आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट टू का लिंक होगा क्योंकि मैं सारे पार्ट एक साथ ही डालूंगा लेकिन अलग अलग करके डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट रह जाए कि पहले हम स्टेप में करा पहले पार्ट में हम करेंगे सारा फिक्स द डायमेंशन और फूडिंग मतलब सारा फूटिंग का हमने पार्ट वन में कर दिया पार्ट टू में स्टेप बीम का करेंगे और पार्ट थ्री में हम सारा यहाँ पे क्या करेंगे स्ट्रफ का करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो हमारे सारे हैं ना वो तो हमारे सारे स्ट्रिप्स क्यों करेंगे ठीक है तो पार्ट टू का आपको लिंक मिल जाएगा आप पार्ट टू देखिए इसके कंटिन्यूस के लिए